नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर समाचार पत्रों में दी हुई है। BPSC परीक्षा 30 सितंबर को है, PT 67वीं PT का पुनर्परीक्षा है और ये परीक्षा 8 मई को इस कारण से रद्द की गई क्योंकि परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर वायरल हो गए थे सोशल मीडिया में। लेकिन आप देखिए कितना आश्चर्य का बात है कि परीक्षा जो ली जा रही है, पहले परीक्षा के रद्द होने के कारण उस परीक्षा के पेपर लीक का मुख्य आरोपी DSP रंजीत कुमार रजक, जिसे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, पुनर्परीक्षा के 15 दिन पहले बेल मिल गया है। और बेल किस कारण मिला है, क्योंकि EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने उनके खिलाफ समय पर चार्जशीट दायर नहीं कर पाए थे। देखिए कितना आश्चर्य वाला, हास्यास्पद और आश्चर्यजनक ये जो खबर है वो है कि जिस परीक्षा में धांधली हुई उसका मुख्य आरोपी और वही जो दोबारा उसकी परीक्षा ली जा रही है उसे 15 दिन पहले चार्जशीट न दायर होने के कारण उसे बेल मिल गया। बाकी सभी लोग 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी सभी लोग जेल में हैं जो सबसे मुख्य आरोपी है। और ये भी आश्चर्य देखिए कि 2-3 रोज पहले ही पेपर में यह दिया गया था कि बहुत जल्द रंजीत कुमार रजक के चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर की जाएगी। आखिर क्यों नहीं हो पाया, क्या ये पूरे प्लानिंग के तहत इनको बाहर निकाला जा रहा है? पहले सबसे पहले जो सूचना है वो मैं तो पढ़ के आपको बता दूं, जो पेपर में दिया गया है रंजीत कुमार रजक को लेकर दिया गया है कि सांसद और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम आदि देव की अदालत ने बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में बुधवार को 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर जेल में बंद DSP रंजीत रजक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। विशेष अदालत में आरोपी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत याचिका दाखिल कर कहा गया कि वह 60 दिनों से अधिक से जेल में बंद है और पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। अदालत ने आरोपी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रंजीत कुमार क्या विधायक हैं या सांसद हैं। आखिर ना भी कोरोना के चलते कोर्ट बंद है, ना गर्मी का छुट्टी है, तो फिर विशेष अदालत में इसे ले जाकर, फिर सांसद और विधायकों के अदालत में ले जाकर ये सुनवाई कैसे की गई? हालांकि मैं जानकार नहीं हूँ कानूनी विशेषज्ञ मामलों का, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न है EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से, क्या बेल के लिए जब अर्जी दी गई तो उन्हें सूचित नहीं किया गया होगा? और आपने ही कुछ दिन पहले आपके ही हवाले से खबर समाचार पत्रों में छपा था कि बहुत जल्द रंजीत कुमार रजक के खिलाफ चार्जशीट दायर होगी। अब इसे क्या माना जाए? छात्र पहले ही BPSC के कार्य प्रणालियों पर उंगली उठा रहे हैं, रंजीत रजक पर इतने संगीन आरोप है BPSC में धांधली को लेकर, जो गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज से क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, उसके मुख्य आरोपी केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार से इनके साठगांठ थे। और आप देखिए कि इनके खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर ने 2012 के एक मामले में, जिसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग में क्वेश्चन पेपर को एंसर शीट को बाहर निकलवा के रंगवाने के आरोप में इनको मुख्य आरोपी बनाया था, उसके खिलाफ जो है इन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आप देखिए कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है कि 56वीं से 59वीं में इसने मेंस की कॉपियों को बाहर निकलवा के लिखवाया, लगातार ये धांधली में है। आज से 10 साल पहले BSSC के जूनियर इंजीनियर मामले में भी मुख्य आरोपी है और 2022 में भी BPSC के PT परीक्षा में क्वेश्चन लीक कराने में ये मुख्य आरोपी है। यानी कि ये इरादतन स्वभावतः सेटर है, सेटिंग करने वाला है, सेटर बाज है और सबसे बड़ा आरोपी 67वीं BPSC पेपर लीक मामले में, और उसका ही चार्जशीट नहीं दायर कर पाई EOU।
छात्र हमेशा छात्र ईओयू के जांच पर हमेशा प्रश्न उठाते रहे और उनका साफ कहना था इसमें मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कितना आश्चर्य का बात है कि जिस परीक्षा को लेकर ये आरोप लग रहे हैं, छात्र चीख चीख के कह रहे हैं कि परीक्षा में बड़ी संख्या में सेटिंग हुई है, पैसे लिए गए हैं पीटी में पास कराने के लिए, और उसके ये आरोपी हैं, उन्हें परीक्षा से 15 दिन पहले बेल मिल जाता है, वो भी ऐसी अदालत से जो कि इनके लिए नहीं है, जो कि सांसद और विधायकों के लिए है। क्या कहा जाए? क्या जो छात्र हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीपीएससी पूरी तरह भ्रष्टाचार में है, और जो अभी तक सूचनाएं निकल के आई हैं उसके मुताबिक 56वीं 59वीं में 63वीं में 64वीं में खूब भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या उस पर ये कदम मोहर नहीं लगाती है? आपने सबका चार्जशीट दायर किया, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी जिस पर इतने संगीन आरोप हैं उसके खिलाफ आपने चार्जशीट क्यों नहीं दायर किया? क्या इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है? क्या इन्हें सेफ पैसेज दिया जा रहा है? क्या जो बड़ी मछली की बात होती है उसके लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता रंजीत कुमार रजक है, जिसके बाहर नहीं आने पर वो अपनी दाल नहीं गला पाएंगे? तो ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब ईओयू को देना होगा कि आखिर कैसे जो मुख्य साजिश करता है, जो इरादतन साजिश करता है, जो पेशे से ही सेटरबाज है, जिस पर आज से 10 साल पहले भी आरोप लगे हैं, जिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि इसने अपने दो दो भाइयों का बीपीएससी में नौकरी दिलवाया, इस पर आरोप लग रहे हैं कि इसने कैसे व्यक्ति पर नौकरी लगवाया और बाहरी व्यक्ति को नौकरी लगवाया और अपनी बहन से उसका शादी किया, जिस पर आरोप लगा हुआ है अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का, उसे आप आरोप पत्र के बिना वो रिहा हो जाता है, ये हम कैसे अब मान लें कि 67वीं पुनर्परीक्षा जो है वो फिर से गड़बड़ी नहीं किया जाएगा? छात्र तो हमेशा कह रहे हैं कि परीक्षा गिरफ्त में है सेटरों के। आखिर आरा में दो रूम में जो स्पेशल परीक्षा हो रहा था उसमें जो कैंडिडेट परीक्षा दे रहे थे उनकी जांच क्यों नहीं की गई? वहाँ के केंद्राधीक्षक को और दो जो स्टाफ हैं, 4 लोगों को उठा कर जेल में डाल दिया गया पेपर लीक होने के लगभग 48 घंटे के अंदर में। उनके बारे में एक भी जानकारी बाहर नहीं आई है कि आखिर उनका कसूर क्या था, आखिर कौन स्पेशल परीक्षा ले रहा था, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? तो ईओयू का जो अब रवैया है, बीच में हमें लगा था जब रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी हुई थी तो लगा था कि ईओयू मामले को सॉर्ट आउट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन अब ईओयू के कार्यप्रणाली पे हमें भी शक हो रहा है कि ईओयू क्या सह दे रही है, क्या ढील दे रही है जांच में, और जो आरोपी हैं उनमें, क्योंकि रंजीत रजक एक बहुत बड़ी कड़ी है, और आपको बताएं कि रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी के बाद खलबली मच गई थी, ऐसा लगने लगा था कि जो बड़ी मछली है उस पर हाथ पहुंचने ही वाला है ईओयू का। लेकिन आप देखिए ये कैसे कैसे हो रहा है। कल जीत सिंह बीपीएससी के सचिव जो हैं वो त्यागपत्र देते हैं, उन पर आरोप लगता है कि वो त्यागपत्र उनका स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि यही सेटिंग वेटिंग से संबंधित है, पैसे के लेन देन से संबंधित है, जो भी हो। और आज देखिए, कल ही देखिए कि रंजीत कुमार रजक को बेल मिल जाता है, तो बड़ा ही हास्यास्पद और प्रश्नवाचक प्रश्न खड़ा होता है इससे कि आखिर क्या चल रहा है। पुनर्परीक्षा है और जो मुख्य आरोपी है उसे आप 15 दिन पहले फिर निकाल देते हैं ऐसे कोर्ट से जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, जिसके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता है कि उस कोर्ट से इन्हें बेल मिलेगा। ईओयू कहती है 2-3 दिन पहले कि हम चार्जशीट जल्द से जल्द दायर करेंगे और दायर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इन्हें लाभ मिल जाता है। तो देखिए, हम आशा कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि बिहार में 67वीं BPSC की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, किसी तरह का घालमेल गड़बड़ी न हो। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं बहुत कुछ प्रश्न खड़ा करती है। तो खैर, जो भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।